हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का टॉपिक है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपका गॉड है, जो आपके साईं बाबा हैं, आप जिस पे भी बिलीव करते हैं, जो आपके भगवान हैं, जो आपके अल्लाह हैं, जिस पे भी आपको गॉड पे आपका यकीन है, ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या, आपको इस वक्त क्या ऐसी चीज़ है जो आपको जानने की इस वक्त ज़रूरत है, जो आपके स्पिरिट गाइड आपको इस वक्त गाइड करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी कैरियर है, आपका बिजनेस है, कोई ऐसी चीज़ जिस स्ट्रगल से आप परेशानी से गुजर रहे हैं और वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, तो ये आज रीडिंग उस चीज़ पे होगी कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, आपको कौन सा रास्ता दिखाया जा रहा है और आपको क्या बताया जा रहा है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ नेक्स्ट आ रही है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आपको क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, ठीक है, आपके लिए क्या चीज़ सही है और आपके लिए क्या चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये शायद आपको इसलिए यहाँ पर गाइड किया जाएगा आज और आपको बताया जाएगा, एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज दिया जाएगा, गॉड की तरफ से डेफिनेटली जिस पे भी आप बिलीव करते हैं आपको एक मैसेज दिया जाएगा जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं और वो मैसेज मैं डिलीवर करूंगी आपको यहाँ पे रीडिंग्स को देख के, ठीक है। तो आपने एक दिमाग में याद रखनी है, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इस सिचुएशन से गुजर रहा हो, लेकिन अगर आप गुजर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे गाइड करूँगी कि क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या सिचुएशन है और उसका हल क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह आपको अलर्ट रहना चाहिए, किस तरह अपने आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए और किस तरह से आपके लिए जो चीज़ सही है वो करें और जो चीज़ गलत है उसको मत चूज़ करें, ठीक है। तो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू और व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ, मतलब आपको अभी इस वक्त जानने की क्या ज़रूरत है, जब आप लाइफ में किसी भी वक्त इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जानने की क्या ज़रूरत है, आपकी लाइफ का क्या मोड़ है, आपको क्या डिसीजन लेना है, ये आपने तभी उस वक्त रीडिंग देखनी है, ठीक है। आपके सामने 3 कार्ड्स पड़े हुए हैं तो अपनी मर्जी से चूज़ कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, नो नीड टू वरी। ऑप्शन नंबर 2, रिमेन पॉजिटिव, ओके। और ऑप्शन नंबर 3, ट्रस्ट। सो अपनी मर्जी से आप कार्ड चूज़ कर लो, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये नो नीड टू वरी वाला कार्ड चूज़ किया है, सबसे पहले तो आपका मैसेज यही है एंजल की तरफ से कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके जो भी हालात हैं या जिस सिचुएशन से या जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, नो नीड टू वरी। तो आपके साथ डेफिनेटली गॉड है, आपके साथ डेफिनेटली आपके साईं बाबा हैं, आपके साथ आपका अल्लाह है, आपके साथ आपके भगवान हैं, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं डेफिनेटली ऊपर वाली सोर्सेज तो हैं ना, हर मज़हब में एक गॉड है, आपका जो भी बिलीव आपका है डेफिनेटली, बिकॉज ये रिलीजन बेस्ड डेफिनेटली चैनल नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेटली बताया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से नो नीड टू वरी, और आपके गाइड्स आपके साथ हैं, आपको एक प्रोटेक्शन मिल रही है। तो अब देखते हैं कि आपके लिए आपको क्या इस वक्त जानने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे पास है स्टार, वाओ, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और हमारे पास एयर साइन है और टेम्परेंस, वाओ, और हमारे पास है वाओ, आई लव दिस, हमारे पास है स्टार और हमारे पास है टेम्परेंस, दोनों ही बहुत ही ऊपर वाले के कार्ड, गॉड्स के, एंजल्स के कार्ड्स हैं, ये डेस्टिनी के कार्ड हैं। टेम्परेंस का मतलब है सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, ठीक है। अब और साइंस देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स में क्या है। हमारे पास है लेटर नंबर 27, तो आप हो सकते हैं 27 ईयर्स के हैं। नंबर 9, दिस बुके, फ्लावर। हमारे पास है नंबर 5, दिस ट्री, फैमिली ट्री। देन वी हैव नंबर 7, स्नेक, ओ माई गॉड। हमारे पास है नंबर 19, रेस्ट एंड रिजुविनेट। हमारे पास है नंबर 17, एक्शन। और हमारे पास है, एक मिनट में यहाँ पे देख लूँ कार्ड्स को, आपको नज़र आ रहे हो। फिर हमारे पास नंबर 28, विक्ट्री, वाओ। और फिर हमारे पास है नंबर 47, द थिंकिंग वुमेन, ओके। आप में से ज़्यादातर जो हो सकते हैं वुमेन्स हैं जिन्होंने ये इसको चूज़ किया है, इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। आपको यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है जो बहुत ही क्लियर, यहाँ पे एक मैसेज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको एक गॉड की तरफ से यहाँ पे एक मैसेज है कि आपके जो हालात हैं वो ठीक होने वाले हैं, आपको एक चेंज आने वाला है। लेकिन द स्टार का मतलब है, हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त इम्पेशेंट हैं, आपको यकीन नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है गॉड की टाइमिंग पे, परफेक्ट टाइमिंग पे। स्टार का मतलब है आपको होपफुल रहना चाहिए, या ऐसी कोई चीज़ है जो आप अपनी लाइफ से होप ख़त्म कर रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो है, हो सकता है सुकून में भी नहीं है, ठीक है, आप दिन रात सोच रहे हैं किसी चीज़ को, कोई टॉक्सिक सिचुएशन में है, किसी बहुत ही परेशानी में है, जिसकी वजह से आपको एक किस्म का हर वक्त आपका जो माइंड है वो चल रहा है और आपको सुकून नहीं है। तो किसी को, आप लोगों में से हो सकता है किसी को स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब नींद नहीं आती रात को इसी टेंशन की वजह से, या वैसे ही आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम होता है, पिल्स के बगैर शायद आप नींद नहीं लेते हैं,
इस तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी लाइफ की सिचुएशन आपको गुजर रही है जो आपको दिन रात सोने नहीं दे रही, रात को सोने नहीं दे रही और दिन को आपको सिर्फ टेंशन है, या आपकी फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, या आपकी बिजनेस की भी हो सकती है, जॉब की भी हो सकती है और लव की भी हो सकती है, फिर यहाँ पे आपको एक मैसेज दिया जा रहा है द स्टार के साथ रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जब ये चूज़ किया है तो इसका मतलब है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आपको 24 घंटे एक टेंशन है और आप उस टेंशन से कुछ नहीं कर सकते, आपको गॉड पे बिलीव करना होगा, आपको रेस्ट करना होगा, आपको प्रे करना होगा, ठीक है, आपको बिलीव करना होगा, ट्रस्ट करना होगा, ठीक है, और जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगी। पहला कार्ड ही आपको स्टार बता रहा है डेस्टिनी। तो आपको किस चीज़ की परेशानी है, जब जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है, चाहे वो रिस्क है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो लव है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी शादी है और आपको किसी चीज़ की टेंशन है, जब एक चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है वो आपको मिल के रहेगी। हाँ, उसको मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और शायद अभी आपको इसी वजह से शायद यकीन नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन आपको टेम्परेंस, दो कार्ड यहाँ पे टेम्परेंस और स्टार, आपको यहाँ पे पेशेंस की बात की जा रही है, सब्र करने की बात की जा रही है, ठीक है, आपको रेस्ट करने की बात की जा रही है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उसको कंट्रोल में लेने की कोशिश मत करो, ठीक है, सिर्फ गॉड से प्रे करो। आप सिर्फ प्रेयर्स के साथ और फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ, एक होप के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक ट्रस्ट के साथ गॉड पे, ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। फोर ऑफ सोर्ड्स, इसका भी यही मतलब है, रेस्ट, और ये भी दो कार्ड रेस्ट। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी में भी आप हो सकते हैं, ठीक है, किसी तरह की भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ रेस्ट करना है, प्रे करना है, मेडिटेट कीजिए अपने आप को। आप लोगों की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसी प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी आपकी लाइफ में चल रही हैं, लेकिन हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग शायद लेटर का वेट कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहे हैं, प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, या किसी तरह का अगर आपका प्रॉपर्टी का मसला है तो उसका वेट कर रहे हैं कि आपका वो जो रिज़ल्ट है वो आपके उसमें आए, फेवर में आए, या वैसे कोई रिज़ल्ट हो सकता है, पेपर्स का हो सकता है, वो रिज़ल्ट आप वेट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको टेंशन है। तो एक चीज़ आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगी, ठीक है, ये इस कार्ड इसलिए शायद आपको यही कहा जा रहा है, नो नीड टू वरी, एंजल्स की तरफ से खुद ही आपको कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है आपको सब्र के साथ, टाइमिंग के साथ आपको मिल जाएगी। विक्ट्री, और यहाँ पे क्या चाहिए आपको, विक्ट्री, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, लुक एट दिस हाउ शी इज़ ग्लोइंग, सो आपको डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, आपको खुशी मिलेगी, आपको फैमिली मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको हर वो चीज़ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी जो आप चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के बाद। विक्ट्री का मतलब सक्सेस है। यहाँ पे एक स्नेक है, नंबर 7, तो स्नेक्स हमेशा एनिमीज़ होते हैं, ठीक है, तो आपको अपने एनिमीज़ पे भी, अपने दुश्मनों पे भी विक्ट्री हासिल होगी, ठीक है, ये भी एक यहाँ पे कंफर्मेशन दी जा रही है इस ग्रुप को। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो आपसे जलता है, जो आपसे जेलस है या जिसने आपके साथ झगड़ा किया हुआ है, वो भी आपको मात खाएंगे, वो आपकी विक्ट्री होगी उनके अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन स्नेक का समटाइम ये भी मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हैं, किसी तरह की भी एडिक्शन हो सकती है। एडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़का है बस वो दारू पी रहा है तो उसको एडिक्शन है, नो, हो सकती है, अगर आप लड़के हैं तो आपको हो सकती है एडिक्शन, ये लड़की हैं तो आपको दारू की हो सकती है, आपको अल्कोहल की हो सकती है, लेकिन एडिक्शन का मतलब कोई चीज़ भी एडिक्शन होती है, किसी चीज़ के बारे में दिन रात सोचना एडिक्शन, ठीक है, मेडिसिन लेना इस हद तक के एडिक्शन, ठीक है, ऑब्सेशन किसी के साथ, मतलब आप किसी के साथ इतना कनेक्ट हैं कि आप अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते और आपको लगता है कि गॉड आपको वो चीज़ नहीं देगा, नो, दैट इज़ एडिक्शन, क्योंकि अब आपको ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है यूनिवर्स पे। फैमिली का हो सकता है प्रॉब्लम के इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, और आप दिन रात सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज़ एडिक्शन, ओके, जो अगर हो आपका फैमिली का कोई मतलब चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा हो सकता है या कोई चीज़ होती है जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, आपको एक फेयर है, आपको एक डर है, खौफ है आगे बढ़ने का, दैट इज़ एडिक्शन, राइट, एक ऑब्सेशन है आपको, एक चीज़ का फेयर है आपको, आपको डिपेंडेंट लाइफ में गुजर रहे हैं शायद इसलिए आपको ये यहाँ पे रेस्ट के दो कार्ड यहाँ पे इसलिए बताए जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट फॉर यू, आपको एक्शन, आपको सिर्फ रिलैक्स रहना है और प्रे करना है गॉड से। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो क्या है कि अपने आप को पेशेंस में रखो, रिएक्ट मत करो, अगर दुश्मन हैं या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है रिएक्ट मत करो, ठीक है, कोई इश्यूज़ हैं तो उसमें रिएक्ट मत करो, और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसमें भी आपको पेशेंस रखना होगा, उसके बाद जाके दिस इज़ द ट्री, फैमिली ट्री, ठीक है, हो सकता है फैमिली का मैटर हो सकता है प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है लव का मैटर हो, आपको शादी करनी है और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिस इज़ ट्री, यू विल गेट इट, आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी, एंड दिस इज़ प्रपोजल बुके, दिस इज़ अ रोमांटिक कार्ड, दिस इज़ नंबर 9, आपकी विश पूरी होगी, 9 इज़ न्यूमरोलॉजिकल नंबर, दैट इज़ आल्सो आपकी विश पूरी होगी, 7+2 इज़ आल्सो 9, सो हो सकता है आप 9 बहुत देख रहे हैं, ठीक है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 5-7, ठीक है,
तो 9-9 आपकी विश पूरी होगी, आपको विश वो मिलेगी जो आपको चाहिए, आपको प्रपोजल मिलेगा। अगर आपको मैसेज का वेट है तो वो मिलेगा, ठीक है। आपको अगर गुड न्यूज़ चाहिए तो वो मिलेगा। हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको बच्चा चाहिए और वो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। ट्री का मतलब फैमिली आगे बढ़ाना है ना, तो पेशेंस रखिए, मिलेगा आपको, विक्ट्री आपको मिलेगी। द थिंकिंग वुमेन, हो सकता है आप अगर इंसान, अगर आप लड़के हैं तो आप किसी औरत के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, कोई औरत आपकी लाइफ में है जो बहुत ही आपके ऊपर होल्ड रखती है या आपकी दिमाग पर कंट्रोल रखती है, वो आपकी मदर हो सकती हैं, लवर हो सकती हैं या आपकी वाइफ हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आप खुद वुमेन हैं या इस वीडियो को देख रही हैं, तो द थिंकिंग वुमेन, दिस इज़ योर एनर्जी। आप दिन रात एक ही चीज़ के बारे में सोच रही हैं और आप चाहती हैं कि उसका आपको हल मिले, वो मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी, लेकिन आपको एक्शन ले, टेक एक्शन। इसका मतलब ये है कि एक्शन का मतलब जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा, मूवमेंट फॉरवर्ड आगे करनी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसी तरह से एक सिचुएशन में रहेंगे तो वो कुछ नहीं होगा। अगर आपको किसी चीज़ का वेट है तो उसको करके दिखाना होगा, प्रूव करना होगा। एक्शन का मतलब ये भी होता है कि आपकी लाइफ में अब एक्शन होगा, मूवमेंट फॉरवर्ड होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ यहाँ पर स्टक है, हर इंसान की लाइफ चेंज होती है, बस एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, उसका वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि सब्र रखो, बी पेशेंट, आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी, आपको विक्ट्री मिलेगी अपने दुश्मनों पर, उन लोगों पर जो आपको नीचा दिखा रहे हैं या नीचा लाना चाहते हैं। अगर किसी तरह की सक्सेस चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, वो भी आपको सक्सेस, आपकी विश पूरी होगी, जो भी आपकी विश है, रोमांस में, लव में, फैमिली में। और आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, जितना आप सोचेंगे, जितना आप मतलब अगर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर एक्शन ले सकते हैं तो एक्शन लेने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं ले सकते तो वेट कीजिए इस एक्शन को, गॉड की तरफ से कोई एक्शन होगी, कोई मूवमेंट होगी, या जिस इंसान से आप लव करते हैं जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती है, आपको एक्शन लेने से ही विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। आप एक्शन लेंगे या जिस इंसान का आप वेट कर रहे हैं, जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ डेफिनेटली पाइल नंबर 1। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो, पाइल नंबर 2, जिन्होंने रिमेन पॉजिटिव ये वाला कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपकी गॉड आपसे और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ऊपर वाला आपसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाली हैं और आपको क्या फॉलो करना चाहिए। हमारे पास है 3 of Wands, फायर साइन हो सकते हैं आप, 8 of Pentacles, अर्थ साइन हो सकते हैं आप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, और हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। ओरेकल्स कार्ड में हमारे पास है नंबर, दिस इज़ द क्रॉस साइन, नंबर 36, 6 + 3, 9। हमारे पास नंबर 11, दिस व्हिप, दिस छड़ी। फिर हमारे पास नंबर 32, दिस मून, स्फीयर। नंबर 41, दिस वेल। और हमारे पास इस कार्ड से है नंबर 46, चक्रा, आर्के एंजल। फिर हमारे पास नंबर 20, इनवे। नंबर 7, कम्युनिटी। और हमारे पास है नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पॉजिटिव रहने से जो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी बहुत जल्दी, आप लोगों को ये मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में, आप लोग ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे हैं या लाइफ में ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, सबसे पहली बात तो ये। और वो डिसीजन शायद आपने, या आपको किसी चीज़ का वेट है, ठीक है। हो सकता है किसी पार्टनर का वेट है आपको, या किसी जॉब का वेट है, या आपने जो ऑलरेडी किसी जॉब कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस का वेट है, सक्सेस का वेट है, वेल्थी होने का वेट है, आपको सक्सेसफुल होने का वेट है, आपको पॉपुलर होने का वेट है। ऐसी चीज़ है जो आप डेफिनेटली, एक चीज़ आपका फर्स्ट कार्ड ही आपको बता रहे, 3 of Wands, जो आप वेट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि ये चीज़ आएगी आपके पास, ओके। आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, उसका इंतज़ार करना चाहिए, चाहे वो जो चीज़ भी है, चाहे लवर, पार्टनर, सक्सेस, जॉब, ओके, जो भी आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे कोई बात नहीं करने वाली कि क्या है, मैं ये कह रही हूँ कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना, क्या सही है आपके लिए, क्या गलत, और आपके लिए डेफिनेटली गॉड की तरफ से मैसेज क्या है। सो 3 of Wands इज़ लाइक, आपको गॉड कहना चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, जो चीज़ भी आपके पास आ रही है वो आपकी, आपके लिए बेहतर है, ओके। 8 of Pentacles का मतलब ये भी है, आपकी जो हार्ड वर्क है, जो आपने वर्क में की, अपने बिजनेस में की, अपने लव में की, अपने फैमिली में की, अपने रिलेशनशिप्स में की, अगर आप शादीशुदा हैं तो, या आपने जो भी आज तक हार्ड वर्क की है उसका आपको पे ऑफ मिलेगा, उसकी आपको डेफिनेटली आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। फिर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, इवन तो अगर आपने स्टडी की है, आपने जॉब, मतलब आपने, अब आपको रिजल्ट्स का वेट है, तो वो भी उसकी आपको सक्सेस मिलेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग वेल्थी होंगे, रिच होंगे, आप अपनी मेहनत से अपने आप को एक अच्छी जगह पर बनाएंगे, लोग भी देखेंगे, लोग आपकी वेल्थ को देख के, आपकी
पोजीशन को देख के, आपकी हो सकता है प्रोग्रेस को देख के इन्वे करेंगे, मतलब जेलस होंगे और रश करेंगे कि देखो इस इंसान ने क्या क्या कर लिया है और किस तरह से ये इंसान अपने आप को मेहनत से आगे दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है। और आपको मेहनत से ही, मैं बता दूँ जिन लोगों ने पाइल नंबर टू चूज़ किया, आपको पॉजिटिव रहने से ही और आपको हार्डवर्क से, मेहनत से ही आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, चाहे वो आपका लव भी है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल इज़ फॉर मी इज़ अ वाइफ, इज़ अ हस्बैंड कार्ड, ओके, लाइफ पार्टनर। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यू जस्ट नीड टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, एट ऑफ पेंटिकल्स। आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, प्रे करने की जरूरत है। शायद इस वक्त आपको ये इंसान नजर नहीं आ रहा, या ऑलरेडी अगर आपके साथ है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आपको वेट है, जस्ट वेट एंड सी गॉड का क्या प्लान है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप ऐसे हो सकता है काफ़ी सारे लोग इस वक्त डाइवोर्स वुमेन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल से गुजरी है, आपकी लाइफ काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरी है, और अगर आप एक हार्ड वर्किंग वुमेन हैं तो आप डेफिनेटली एक बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप डेफिनेटली अपने लिए हार्ड वर्क करेंगी, मेहनत करेंगी, और आप डेफिनेटली चाहती हैं कि आपको सक्सेस मिले। आपकी भी, आपको भी लाइफ में एक पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव रहने से ही आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और एक अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जिसका आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर आप ऑलरेडी डिवोर्स थी, ठीक है, आपकी शादी हुई, सेपरेशन हो गई, और मतलब हो गई, तो उसके बावजूद मुझे लगता है आप में से हो, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं भी हैं, मतलब आप सेपरेटेड हैं, डिवोर्स हैं, और अगर आप बच्चों के साथ डिवोर्स हैं, तब भी मुझे लगता है आपकी लाइफ में पार्टनर आने वाला है। और अगर आप वैसे ही सिंगल हैं और आप काफ़ी अर्से से सिंगल हैं और आपकी रिलेशनशिप में कोई नहीं है और आप बिलीव करते हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली योर लाइफ पार्टनर इज़ कमिंग। और अगर आप लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में एक डेफिनेटली पार्टनर आने वाली है, ठीक है, योर फीमेल, क्योंकि हमारे पास है मून। तो हो सकता है कि ये रिश्ता फैमिली की तरफ से हो, मदर की तरफ से आपकी हो। 3+2 इज़ अ 5 नंबर, सो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त, या आप शायद आप मैरिड हैं तो आप माँ बनना चाहती हैं, तो आप चाहती हैं कि आपकी ये प्रे है, आपकी विश है कि जल्दी से आप माँ बन जाएँ, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, और ये भी आपकी पूरी होगी। पॉजिटिव रहिए, आपको डेफिनेटली आपको मिलेगा वेल्थ। ये जब वेल आ जाता है नंबर 41, वाओ, 3+2 5 4+1 5 5 5, तो आप डेफिनेटली, हो सकता है 5 5 बहुत देख रहे हैं, 5 इज़ द नंबर ऑफ चैलेंज, बट एट द सेम टाइम 5 का जो नंबर है वो चेंज को भी लाता है लाइफ में, तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपको ऐसे लगता है कुछ मिलने वाला है, ठीक है, या आप कुछ ड्रीम में देखेंगे ऑलरेडी कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, या आप मदर बनने वाली हैं, या आपका लाइफ पार्टनर आने वाला है, कुछ ड्रीम में कोई ऐसी चीज़ है जो आप ड्रीम में पहले देखेंगे, ठीक है। वेल का मतलब ये है कि आपकी जो भी विश है वो आपको पूरी मिलेगी, एक किस्म की आपकी, एक किस्म का जो आपको प्यास है वो आपकी ख़त्म होगी, क्योंकि हम जब कुएं के पास उस वक्त जाते हैं जब हमें जाना होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि वेल इज़ आल्सो द वेल्थ, रिच, पैसा, सक्सेस, पोजीशन, हो सकता है मिले कहीं पे, ठीक है, या आपको प्रमोशन मिले, ये भी हो सकता है। द मून इज़ डेफिनेटली आल्सो सम टाइम टॉक अबाउट, अगर कोई इंसान, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको क्लियर करनी है अपनी लाइफ से, नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है, ठीक है, डिप्रेशन भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकती है, विप का यही मतलब है, द मून, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है, नेगेटिविटी अपने आप से रिलीज़ करनी है, अपने पास्ट को रिलीज़ करना है, ठीक है, पेन को रिलीज़ करना है, ठीक है। अगर आपका मदर के साथ कोई इशू है तो वो भी बहुत जल्द ठीक होगा। क्रॉस, जब क्रॉस आता है लाइफ में तो डेफिनेटली एक किस्म का आपको स्पिरिचुअल वे से आपको कुछ मिलेगा, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी या गाइड मिलेगी। 6+3 9, तो आपकी विश पूरी होगी, ठीक है, आपको डेफिनेटली अबंडेंस भी मिलेगी। द स्टार का मतलब समटाइम, ये क्रॉस का मतलब ये भी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपके लिए ठीक नहीं है, फॉरबिडन है, तो वो गॉड को पता है सिर्फ कि क्यों है और क्या नहीं है। आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी जो आपकी डेस्टिनी है, क्रॉस का ये भी मतलब होता है, क्योंकि ऊपर वाले पे बिलीव आपको मिलने से आपको बहुत कुछ चीज़ें सक्सेस मिलेंगी। कम्युनिटी नंबर 7, आप में से काफ़ी सारे लोग कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगे, सर्विस होगी, या ऐसा ये भी हो सकता है कम्युनिटी की में आपकी पहचान होगी, आपका नाम होगा, फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन, क्योंकि ये मुझे शादी वाला लग रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को शादी का वेट है, आपको डेफिनेटली सेलिब्रेशन मिलेगी। फिर हमारे पास है 6th chakra, इसका मतलब ये है आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना है और अपने ड्रीम्स को डेफिनेटली फॉलो करना है, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे या आपकी जो विश है वो पूरी होगी, लेकिन आपको बिलीव करना होगा गॉड पे, ठीक है। और फिर हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप में से काफ़ी सारे लोग नंबर 4 3 7, यहाँ पे भी 7, तो 77 आ गया यहाँ पे, ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली लुक एट दिस 77, तो आप 77 देख रहे होंगे, लॉट ऑफ सिंक्रिसिटी इन दिस रीडिंग। और हमारे पास नंबर 11 भी है, दिस इज़ अ मास्टर नंबर, सो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, या आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आने वाला है, मीन्स सोलमेट आने वाला है आपका, ओके, या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, नंबर 11 इज़ आल्सो डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब आपका लाइफ पार्टनर जिसके साथ आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। 77
इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, तो आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअली जो है वो अवेक होंगे या स्पिरिचुअली किसी के साथ अटैच होंगे या हेल्प लेंगे, ठीक है, या हेल्प लेने से भी ज़रूरत है आपको डेफिनेटली यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है. अगर आपके कुछ मैटर्स हैं या आपको कोई टेंशन है या आपको फेयर है, खौफ है, ठीक है, या किसी तरह के भी जो इशू हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उस पर की वजह से आपको हील करने की ज़रूरत है. तो गॉड की तरफ से आपको एक यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि आपको आपकी विश पूरी होगी, बट अपने लिए अपने इंटेंशंस को सुनिए, वेट कीजिए और अपनी हार्डवर्क कीजिए. हार्डवर्क जो आपकी होगी, जो भी आपने मेहनत की है, उसको आपको पे ऑफ मिलेगा. आपको डेफिनेटली गॉड की तरफ से एक एक किस्म का विश आपको दी जाएगी, कंप्लीट की जाएगी. लेकिन ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें आपको आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, उन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा. चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपकी हैबिट्स हैं, या आपको रिलीज़ करना होगा कुछ चीज़ों को. कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ चीज़ों को खोना तो पड़ता ही है. तो ये इस पाइल के लिए बहुत ही बेहतर है, जो चीज़ मुझे यहाँ पर समझ आ रही है. ओनली गॉड नोज़ व्हाट इज़ दिस, बट हमारे पास जब क्रॉस आता है तो इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ गॉड को पता है, और वो आपकी लाइफ में वही चीज़ लाएंगे जो आपके लिए बेहतर है, बेस्ट है. ओके, थ्री ऑफ वांड्स, स्टे पॉजिटिव. तो आपको पॉजिटिव रहने से ही आपको, और एक्सपेक्ट कीजिए, एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, रिमेन पॉजिटिव, एवरी डे इज़ अ पॉजिटिव डे. ओके, सो पॉजिटिव रहने से ही आपको आपकी चीज़ें जो हैं वो सही होती हुई नज़र आएंगी आपको, और आप डेफिनेटली हील करेंगे और आपको हैप्पीनेस मिलेगी. एक किस्म का आपके लिए डोर ओपन होगा हैप्पीनेस का, और आप फिर से खुश होंगे, फिर से एक नई उम्मीद, एक नई किरण आपके लिए आएगी. ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में. बाय गाइज. हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया ट्रस्ट, तो देख लेते हैं आपके लिए ऊपर वाले के क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, गॉड क्या कहना चाहते हैं आपसे, और आपकी लाइफ में क्या चेंज बहुत जल्द आएगा जो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन गॉड आपको बताना चाहते हैं. सिक्स ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं. पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन, और फिर हमारे पास है जस्टिस, लिब्रा. तो ये वाले साइन आपके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. फिर हमारे पास है नंबर 8, दिस कॉफिन, दिस पर्सन इज़ डेड हेयर. हमारे पास नंबर 39, दिस डाइस. नंबर 38, दिस ब्रिज. नंबर 33, वाओ, लुक एट दिस सिंक्रोनिसिटी, डबल 3, की. नंबर 15, अप्रिसिएशन. नंबर 9, ब्रोकन हार्ट. नंबर 22, यिन एंड यांग, वाओ, मेजर आर्क, लुक एट दिस, ऑल दिस सिंक्रेसिटी हेयर. नंबर 48, एंजल ऑफ बैलेंस. ओके, आपका सबसे पहले तो मैं आपको सिंक्रेसिटी दिखाऊंगी. यहाँ पे जो सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, नंबर 33 एंड 22, दिस इज़ अ मास्टर नंबर. ओके, तो सबसे पहले नंबर 33 की बात करूँगी. आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक किस्म का जो है वो की ओपन होने वाली है. कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में सक्सेस देने वाली हैं, या कोई डोर बहुत जल्द आपकी लाइफ में ओपन होने वाला है जो शायद आपको भी नज़र नहीं आ रहा, बट दैट इज़ आई आल्सो पिकिंग अप. ये हो सकता है रोमांस हो सकता है, या आपकी लाइफ में प्रपोजल आने वाला है. आपकी किस्मत अब खुलने वाली है जो जिसकी वजह से आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए इस ताले के खुलने में, क्योंकि गॉड के हाथ में है ये. ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्रिज है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ हैं, चैलेंजिंग टाइम है आप लोगों के लिए, लेकिन आपको ये क्रॉस तो करना पड़ेगा डेफिनेटली. और आप में से काफ़ी सारे लोगों को, क्योंकि यहाँ पर नंबर 8 है, कुफीन नंबर, आपको पास्ट को रिलीज़ करना होगा. कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आपको हमेशा के लिए छोड़ के, पीछे ख़त्म करके आगे लाइफ में मूव ऑन करना होगा, क्योंकि आपका पास्ट आपको डेफिनेटली हॉन्ट कर रहा है और एक बहुत चैलेंज है आपके लिए. आपका पास्ट बहुत बड़ा चैलेंज है, या आपकी करंट एनर्जी जो हो सकती है वो बहुत बड़ी चैलेंजिंग है आपके लिए, लेकिन आपको उससे निकलना होगा और आप निकलेंगे. ओके, टाइम विल चेंज फॉर यू. जब डाइस आता है तो आपका टाइम चेंज होगा, आपका टाइम चेंज होकर आपकी ये लॉटरी निकलेगी. दैट इज़ द की. आपके लिए एक डोर ओपन होगा, आपके लिए एक विंडो ओपन होगी, चाहे वो रोमांस की है, चाहे वो सक्सेस की है, चाहे वो पैसे की है, और आपका जो हार्ड वर्क की है, पॉपुलैरिटी की है, ठीक है, एक किस्म का आपका लाइफ चेंज होने वाला है, पहिया घूमने वाला है लाइफ का. ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा उस मोमेंट का. ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त हार्ट ब्रोकन हैं, या आपको हार्ट ब्रोक होना पड़ेगा, आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कफीन है, इट्स डेड, इट्स ओवर. ये आपका एक्स भी हो सकता है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा. आप ब्रोकन हार्टेड हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग सेपरेटेड हुए हैं, सेपरेशन से गुजरे हैं, ब्रेकअप हुआ है, या आपकी शादी हुई टूट गई. ठीक है, या आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए. आपको लगता है कि लव कभी भी आपको नहीं मिलेगा, आपका दिल ऑलरेडी से टूटा हुआ है. ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो ब्रोकन हार्टेड हैं, जो उनको लाइफ में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि कोई खुशी मिलेगी या गुड न्यूज़. तो डेफिनेटली गॉड की तरफ से, मैं एक मैसेंजर हूँ, ओके, मैं एक मैसेंजर हूँ, मैं आपको मैसेज दूंगी. गॉड की तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि आपको ट्रस्ट करना होगा, इसलिए शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है. ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है लाइफ में. जब आपको गॉड पे ट्रस्ट नहीं होगा तो हु विल हेल्प यू, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए.
इफ़ यू विल नॉट ट्रस्ट ऑन द गॉड, इफ़ यू विल नॉट ट्रस्ट ऑन योर ऊपर वाला, ठीक है, जो भी आपका रिलीजन है, ऊपर वाले पे तो यकीन है ना, ऊपर वाला तो है ही ना, ऊपर वाला तो है ही, ठीक है, तो जब तक उस पर ट्रस्ट नहीं होगा, फेथ नहीं होगा, आपकी हेल्प कौन करेगा, कौन आपकी हेल्प कर सकता है? ओके, डिवाइन, दैट इज़ यूनिवर्स, गॉड, जस्टिस, तो आपको जस्टिस मिलेगा गॉड की तरफ से. आपको आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि आपकी लाइफ ठीक होगी, आपको चेंज मिलेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा. और ये एक यहाँ पे भी ये बैलेंस की बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर बिल्कुल फिर पहले जैसी हो जाएगी, जो शायद आप उम्मीद नहीं कर रहे. एंजल ऑफ बैलेंस का भी यही मतलब है, लाइफ फिर से बैलेंस में आ जाएगी, लाइफ फिर से ट्रैक पे आ जाएगी. थोड़ा सा आपको झंझोड़ने की ज़रूरत है. ओके, हो सकता है आप किसी टावर मोमेंट से गुजरे हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको एक्सपेक्ट नहीं था लेकिन आपको गुजरना पड़ा, किसी लॉस से गुजरे हैं या किसी चीज़ को खोया है आपने, लेकिन खोने के बाद ही तो पाना है, नहीं तो यिन एंड यांग. तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जो आपका सोलमेट है, या ऐसा इंसान जो आपसे अपोजिट है. यिन एंड यांग का ये भी मतलब है, बैलेंस की ज़रूरत है आपकी लाइफ में. दिस इज़ द लाइफ साइकिल, हमारी लाइफ में ये साइकिल है. अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, अच्छे लोगों से भी मिलेंगे, बुरे लोगों से भी मिलेंगे, और कभी लाइफ में अच्छा टाइम आएगा, कभी लाइफ में बुरा टाइम आएगा. आप रोक नहीं सकते, कोई इंसान भी ये नहीं कह सकता कि मैंने लाइफ में हमेशा बदखुशियाँ ही देखी हैं. नो, दैट इज़ नॉट, आपको गुजरना पड़ेगा, यही लाइफ का पहिया है. तो हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ जो है वो बुरे वक्त से गुजर रही है, एक ऐसे टाइम से गुजर रही है जो आपको सिखाया जा रहा है, उससे आप लर्न कीजिए. क्योंकि आपको ये उम्मीद होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि अच्छा टाइम भी आएगा. कल मेरा अच्छा, आज मेरा बुरा दिन है तो कल मेरा अच्छा दिन होगा. आज मैं अगर इस टाइम से गुजर रहा हूँ तो कल मेरे लिए अच्छा टाइम भी आएगा. ओनली द मैटर ऑफ द ट्रस्ट. अगर आपको ट्रस्ट होगा, होप होगा, आप बिलीव करेंगे तो क्यों नहीं अचीव कर सकते आप. फिर हमारे पास एप्रिसिएशन, आप में से काफ़ी सारे लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा, या आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, या ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, जो शायद किसी और के पास नहीं है, ठीक है. तो ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, ना कि उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है. जितना आप ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, उतने ही आप ग्रेटफुल होंगे गॉड के, कि आपको ट्रस्ट करेंगे उतना ही गॉड पे, कि डेफिनेटली अगर उसने मुझे ये दिया है, किसी और के पास वो चीज़ नहीं है, ठीक है. अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बाइक है और दूसरे इंसान के पास गाड़ी है, ठीक है, तो आप उस ऊपर वाले देखने को, गाड़ी वाले को देखने के बजाय नीचे वाले को क्यों नहीं देखते जिसके पास साइकिल है? तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए ना. इसी तरह एक एग्जांपल है, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए दैट यू हैव अ बाइक, यू हैव अ मोटर बाइक, यू कैन गो फास्टर देन अ साइकिल, बाई साइकिल पर्सन. ओके, सो साइकिल वाला तो आपको देख के इन्वाइट करेगा ना कि इसके पास ज़्यादा है. आप अपने हमेशा अपने से ऊपर चीज़ को जब हम देखते हैं तो हम कंपेयर करते हैं. तो आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, ग्रेटफुल होना है, उसकी वजह से फिर आपको और मिलेगा. और ट्रस्ट करना चाहिए गॉड पे, गॉड की टाइमिंग पे बैलेंस ज़रूर मिलेगा, खुशी आएगी. एक दिन बुरा टाइम है तो अगले दिन आपको इसी उम्मीद में रहना है, इसी उम्मीद से मैं ज़िंदा रहती हूँ एवरी दिन, एवरी डे. हर रोज़ एक नया दिन है, हर रोज़ एक नई उम्मीद है कि आज अगर ऐसा दिन है तो कल अच्छा होगा. और यही यकीन कीजिए, यही आपको ज़िंदा रखता है. सिक्स ऑफ कप्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों की विश पूरी होगी बच्चों के लिहाज से, ठीक है. अगर आपको बेबीज चाहिए या बच्चे चाहिए, शादीशुदा हैं आप लोग, तो वो पूरी होगी. आप में से काफ़ी सारे लोगों का सिक्स ऑफ कप्स और येन एंड यांग मुझे नज़र आ रहा है कि आपको सोलमेट की प्रॉब्लम है या इशू है. आपकी लाइफ में सोलमेट आएगा, या आप सोलमेट से शादी करेंगे, ये भी हो सकता है, या सोलमेट की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगी. अगर आपका कोई सोलमेट नहीं है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएगा सिक्स ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स. और अगर आपको किसी का इंतजार है, वो इंसान आपको डेफिनेटली प्रपोज करेगा, मैसेज करेगा. पेज ऑफ कप्स एक का मैसेज है, एक रोमांटिक ऑफर है, तो वो मिल सकती है. पेज ऑफ कप्स और जस्टिस से अगर शादी का इंतजार है, तो वो आपको प्रपोजल मिलेगा, डेफिनेटली आपकी शादी होगी. अगर आपका आज आपका टाइम डिले है, आपकी शादी में लेट है, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा. नाइट ऑफ वांड्स का ये भी मतलब है, पैशन को फॉलो कीजिए. आपको जो आपका पैशन है, जो जिस चीज़ को आप फॉलो करना चाहते हैं, वो आपका वर्क अप्रिशिएट किया जाएगा, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी. एक किस्म की अपनी स्किल्स को और एबिलिटीज़ को जो है वो फॉलो कीजिए. नाइट ऑफ वांड्स ट्रैवलर को भी बोलता है, तो हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े, एक किस्म का आपको गिफ्ट मिलेगा किसी चीज़ से, ठीक है. अपने पैशन को फॉलो कीजिए, ठीक है, और आपकी लाइफ चेंज होने वाली है. थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको छोड़ना पड़ेगा, और आपको छोड़ना पड़े या ना छोड़ना पड़े, लेकिन आपको छुड़वाई जाएंगी गॉड की तरफ से, क्योंकि ये गॉड का हाथ है. तो डेफिनेटली जब तक गॉड की मर्ज़ी, जहाँ गॉड की मर्ज़ी वहीं आपका टाइम चेंज होगा, और ऑन द परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ चेंज होगी. बट पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए. लेकिन थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पेशेंट. और जस्टिस का ये भी मतलब है कि आपको बैलेंस मिलेगा लाइफ में, आपकी हर चीज़ फिर दोबारा से एक ट्रैक पे आ जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी. या आपको बैलेंस रखना है अपनी लाइफ में, यिन एंड यांग का मतलब है आपको बैलेंस रखना है. ना ज़्यादा इतना इमोशनल होना है, और ना ही इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है, लॉजिकल होना है. बैलेंस रखिए लाइफ में, दिल को भी फॉलो कीजिए, दिमाग को भी कीजिए. ये नहीं होना चाहिए कि दिल को फॉलो किया तो दिमाग को भूल ही गए.
मत्ती मारी गई, ठीक है। कहते हैं ना एक इंसान के बारे में मत्ती मारी गई, तो वो इस तरह होता है, मत्ती ना मारी जाए आप लोगों की, कि आपको थोड़ा सा समझ भी होनी चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक को भी यूज़ कीजिए। तो मिक्सचर इज़ द गुड थिंग। कोई चीज़ एक्सट्रीम तक हो जाती है जब हम इमोशंस को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं मिलना उससे, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और माइंड को फॉलो करते हैं तो इमोशन लेस हो जाते हैं आप। तो नहीं, यही चीज़ लाइफ में बैलेंस है। लाइफ में बैलेंस लाओ और आपको बैलेंस मिलेगा। दिल को भी फॉलो करो, दिमाग को भी थोड़ा सा सुन लो, और दिमाग को भी फॉलो करना है तो थोड़ा सा दिल को भी सुन लो। तो ये उन लोगों के लिए है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। थोड़ा सा होश से काम लीजिए, ना कि जोश से। जोश और होश दोनों होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। और आपकी जो चीज़ आपको छोड़नी है उसको छोड़ दीजिए। अगर जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ कीजिए तो समझ आ जाएगा, आ जाएगा समझ के क्यों ठीक नहीं है, या उस चीज़ में क्यों डिले है, या वो चीज़ क्यों नहीं आपको मिल रही, या क्यों आपका किसी ने दिल तोड़ा, क्यों किसी ने आपको परेशान किया, क्यों आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल चल रही है। थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करेंगे, लॉजिक को करेंगे तो समझ आ जाएगी। और थोड़ा सा ट्रस्ट ले आएँ लाइफ में, होप ले आएँ, पॉजिटिविटी ले आएँ, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ उसी दिन से चेंज हो जाएगी। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज़।